वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अभी हो रहा है टाइम शाम के 6 बजे, तो अभी शाम के टाइम में अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सबको हैप्पी दिवाली। और बाहर अभी दिवाली चल रहा है, सब लोग बच्चे खेल रहे हैं बाहर। और आज बहुत सारा काम था घर पे, और आज मैंने पूरे घर के कर्टेन्स वगैरह मैंने चेंज कर लिया है। और उसके अलावा आज मुझे ना कुकवेयर जो भी है उसको ना डिक्लेटर करना है। अब से हम लोग सोच रहे थे कि उसको ना डिक्लेटर कर दे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फाइनली आज हम लोग कर रहे हैं। अम्मी इतना ज्यादा डांट रहे ना, मतलब नॉन स्टिक वाले यूज करना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग वही यूज कर रहे हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगी निकालने के लिए। और आज शाम में मेरे कजिन सिस्टर भी आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उमरा करके आए थे, तो आज हमारे घर पे आ रहे हैं। और उनके दोनों क्यूट बच्चे भी आ, सोच रहे कुछ बनाने के लिए। अगर फूड वगैरह जो बनाना नहीं हो पाया, बिरयानी का तो प्लान है, नहीं हो पाया, तो हम लोग ना क्या करेंगे, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह देखते जो भी होगा आप लोग के साथ इस वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। और आज थोड़ा जल्दी जल्दी बात करें, क्योंकि ढेर सारे काम है माइंड में, मुझे ना एक एक करके याद आ रहा है। एक तो डिक्लेटर करना है, और शाम का कुछ प्रिपरेशन करना है, और खीर वगैरह कुछ बनाने का प्लान है। और मैंने अम्मी के लिए एक लखनऊ चिकन का एक ड्रेस मैंने मंगवाया है, वो वाला ड्रेस का जो रिव्यू होता है उसका भी आप लोग के साथ ना मैं शेयर करूंगी। ब्लैक कलर का ड्रेस है, काफी खूबसूरत है। अम्मी के लिए मैंने मंगवाया है ब्लैक कलर ड्रेस, और मेरे लिए मैंने मंगवाया है ये वाला कलर, तो ये ऑरेंज कलर है। तो उसके ऊपर मैंने पेयर किया है वाला दुपट्टा, तो दोनों मैंने लिया है ऑनलाइन से ही। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपना व्लॉग को। मम्मा ये नया ड्रेस बहुत अच्छा है। मम्मा एक मिनट में ड्रेस बतालती हूँ, फिर पुदीना बाद में तोड़ो। अच्छा है माशाल्लाह ये ड्रेस, माशाल्लाह अच्छा है ड्रेस, बहुत खूबसूरत है। नहीं अलग मंगाना पड़े, पूरा सेट कुर्ती एंड बॉटम ये आया, दुपट्टा अलग मंगाना पड़ा। अच्छा है, दूसरा कलर मिला तो मैं भी ऑर्डर कर लेती मैं एक ड्रेस। कैसा है मेरा ड्रेस का? ये अच्छा है, अच्छा है। मेरा देखो ये मेरा भी है, लेकिन और दूसरा कलर मेरा ऑरेंज, ऑरेंज कलर पर मैं ये दुपट्टा ली। ये कलर वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद, अच्छा रहो नहीं भी रहो कलर के वास्ते मैं रखी। हाँ ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा, इन तुम ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद चाय का सीता है तो बस। ओके अच्छा चलो, चाय के कप से पूरे निकालो, कौन से निकालना क्या रखना। ओके ठीक है, लेट्स गो। चलो गर्मा गर्म चाय बनाओ, मेरे को करने ताकत नहीं। सो आज मैं रेस्ट लेती हूँ, यहाँ आराम से बैठ को मुझे बोलो क्या क्या करना है कि पूरा निकालती हूँ उसमें से, कबर्ड्स में से। ओके सो गाइस, आज घर पे ताज़ा ताज़ा पुदीना आया था, इसलिए अम्मी बना रहे पुदीने वाला चाय। एंड विंटर्स में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही पीते हैं, एंड अम्मी के हाथ का पुदीने वाला चाय सच में बहुत टेस्टी बनता है। एंड जैसे रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं ना फैंसी टाइप में, एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं अम्मी। प्रोसेस भी काफ़ी ईजी है, बस पुदीने को अच्छे से धो लिया, उसके बाद जो लेमन को ना छोटे छोटे पीसेस करके ग्लासेस में डाल दिया है, और यहाँ पर जो कहवा अम्मी ने बनाया उसमें पुदीना डाल के ही बनाया है। तो बस बन गया है हमारा पुदीने वाला चाय, तो चलो वो टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए, अम्मी के लिए एंड भैया एंड हस्बैंड के लिए, चारों के लिए अम्मी ने बनाया है। रेडी हो गया, चलो। तो पहले मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बुखार जैसा फीलिंग है उनको, तो पहले उनको मैंने दे दिया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है पुदीने वाला चाय। और मुझे पुदीने वाला चाय इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ना टैंगी वाला फ्लेवर होता है, इसलिए स्पेशली विंटर्स में पीने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूं अपने किचन में, तो भी मुझे चीजें डिक्लेटर करना है, सारी चीजें निकाल के ना मैं यहीं पर रखी हूँ, तो एक एक करके मैं निकाल दूंगी अभी। तो चलो देखते हैं जो भी निकालना है। गाइस ये ऑलरेडी सारे चीजें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, सारे चीजें मैंने लिया है होम सेंटर से। एंड ये वाला रिसेंटली फिर से मैं परचेस की थी जब मैं इनऑर्बिट गई थी ना, वहीं पर से लिया है। ये काफी ज्यादा पसंद आया था, एंड काफी अच्छा खासा वेट है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो विथ लिड मुझे मिला है, इसको मैं बाद में ओपन कर लूंगी। तो सारे चीजें ऐसे ही पैक कर रखे हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी तो इसलिए ओपन नहीं करी हूँ अभी तक। तो अभी मैं क्या क्या डिक्लेटर कर रही हूँ चलो वही चीज एक बार बताती हूँ। तो इसके सारे कवर्स ना मैं यही पर रखी हूँ, तो ये सारे कवर्स को मैं अभी फेंक दूंगी। तो मैं इसको इमीडिएटली निकाल रही हूँ, डिक्लेटर कर रही हूँ, और इसके प्लेस में मैंने लिया है ए वाला, ठीक है। तो इसको मैं फौरन निकाल रही हूँ, और ए वाला मैंने लिया है आइकिया से, तो फौरन मैं निकाल रही हूँ इसको भी। और ये नॉर्मल जैसे हम लोग इसमें ऐसे ही कुछ बनाती थी, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसको भी मैं निकाल रही हूँ। और ये वाला भी प्रेस्टेज का ही है, और ये भी ख़राब हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला प्रेस्टेज का है। तो
इसको भी मैं निकाल रही हूँ। और ये भी कुछ ब्रांड का है तो मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको भी मैं निकाल रही हूँ। लिड भी ऐसा ही है तो मैं सोच रही हूँ इसको रखूँ या क्या करूँ। ये मैंने लिया है पीजियन का। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 11 लीटर्स का पीजियन का है। तो ये वाला मैंने परचेस किया है बैंगलोर से, तो पीजियन कंपनी का है, 11 लीटर्स का है। तो मैं सोच रही हूँ इसको निकालूँ या रखूँ, क्योंकि इसका कंडीशन अभी तक अच्छा है, अच्छा खासा चल रहा है। अगर कोई घर पे आते हैं तो मुझे ना हलवा कुछ बनाना होता है तो ह्यूज क्वांटिटी में बना सकती हूँ, और इसके अलावा बघारा राइस या बिरयानी कुछ मैं बना सकती हूँ इसमें। तो इसको एक बार मैं सोचूंगी निकालूँ या रखूँ। तो ये सारी चीजें तो फिलहाल निकालना ही है। तो गाइस फाइनली मैंने कर लिया है अपना काम, तो इन सारी चीजें को मैं निकाल दूंगी किचन से। मेरे कजिन सिस्टर आने का भी टाइम हो गया, तो चलो बनाते हैं खीर को। ठीक है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का खीर, और सूजी का खीर ना बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसको टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं लगता। सो गाइस फाइनली मेरे कजिन सिस्टर तो आ गए यहाँ पर, और इनके दोनों क्यूट बच्चे भी। तो बस यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एक महीने के बाद आए हैं हमारे घर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दीदी उमरा पे गए थे तो हम लोग मिले हैं, और सब लोग ने उमरा मुबारक भी कह दिया। तो बस यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। आरिश काई को गुस्सा होते हैं? आरिश गुस्सा कहीं को आता है? आरिश नहीं होना मेरे से खेलना, बोलो तो गाइस सीरियसली घर पर अगर बच्चे होते ना बहुत क्यूट भी लगता है और अच्छा भी लगता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पर आरिश को च्यूइंग गम वगैरह खा रहा था, तो बस अम्मी यहाँ पर ना उसको लाड प्यार करके निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब डाले ना, उसका नाम क्या रख? घर को जाके ना कोई यहाँ बिरयानी खाते भी नहीं। गाइस ये कुछ चीजें दीदी मेरे लिए लेके आए थे, एंड जंजों का पानी, खजूर और कुछ चॉकलेट्स मैंने दूसरे रूम में रख दिया था, इसलिए मैं वो वाला वीडियो नहीं लिया है। तो बस इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।